भगवान के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात भगवान अगर यहाँ विराजमान है और ये लोग कहते हैं तो ये बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ के जो पहाड़ है, अमेजिंग, स्टनिंग। स्नो वाला जो पीक है बीच में वो नीलकंठ चोटी है जिसमें स्नो है, बहुत सुंदर, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आज मौसम बहुत क्लियर है। ये मैं चौक से दिखा रहा हूँ, बद्रीनाथ चौक। यहाँ से टेंपल लगभग 200 मीटर आगे है और यहाँ से माना विलेज के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से माना विलेज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलते हैं, आज अभी आपको ले चलता हूँ मैं माना विलेज। माना विलेज में कैसा रहेगा, क्या क्या देखने की जगह है, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती रिवर, वसुधारा, ये आपको दिखाने वाला हूं मैं आज। मैं अभी माना विलेज स्टेशन पहुंच चुका हूं। अब इसका नाम आखिरी गांव से भारत का प्रथम गांव हो गया है। यह एक सीमांत गांव होने के कारण यह एक सैन्य क्षेत्र भी है। यहां से भारत तिब्बत सीमा मात्र 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं अभी आप लोगों को माना विलेज स्टेशन से दिखा रहा हूं। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं और माना गाँव घूमना चाहते हैं तो यह बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं नंबर 1 गणेश गुफा, नंबर 2 ब्यास गुफा, नंबर 3 भीम पुल, नंबर 4 सरस्वती रिवर, नंबर 5 माता मंदिर। इन जगहों पर घूमने या दर्शन करने के लिए आप लोगों को यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी चलकर तय करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITBP द्वारा पर्यटकों का फ्री मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कार्य ITBP द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक सीमांत विलेज होने के कारण यहाँ पर ITBP का बेस कैंप भी है।
आप देख सकते हैं पर्यटक अपना चेकअप कराते हुए। उत्तराखंड लवर वन आईटीबीपी के इन जवानों को सलाम करता है। देखिए ये गेट है, यहाँ से यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये सरस्वती रिवर के लिए रास्ता जा रहा है यहाँ से, और ये गणेश गुफा के लिए जा रहा है। पहले मैं आपको गणेश गुफा ले चलता हूँ। चलते हैं अंदर गणेश मंदिर में। गणेश जी की लिखनी बहुत फास्ट थी, व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने लिखा। यही गणेश गुफा है जो माना विलेज में है, आप देख सकते हैं। सर आप लोग कहाँ से? हम लोग नोएडा से। अच्छा, कैसे लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग, सुपर, बहुत अच्छा, सुपर। यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ के जो पहाड़ है, अमेजिंग, स्टनिंग, कोई मतलब कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ के बारे में। आई हैव नो वर्ड्स, को मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी तारीफ कम है, रियली। मेरा नाम वैष्णवी, नोएडा। ओके, बहुत बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, हम लोग नोएडा से आए हैं एंड देवभूमि है ये। इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर चीजें देखने के लिए, जगहें देखने के लिए, मजा आ गया। यहाँ की जो फीलिंग है अमेजिंग है, हम उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतना सुपर एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री, अमेजिंग। नोएडा में आजकल आपने सुना होगा इतना पॉल्यूशन है, यहाँ तो फील ही नहीं होता है कुछ भी। ऐसा लगता है वाकई देवभूमि पर आ गए हैं, वाकई यहाँ पर आकर हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। साक्षात भगवान अगर यहाँ विराजमान है, और ये लोग कहते हैं तो ये बिल्कुल सही कहते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है, और ये बिल्कुल ट्रू है। ये फीलिंग आती है जब आप बद्रीनाथ पे कदम रखते हैं, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। एक डिफरेंट ही एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वेव्स आपको फील आने लग जाती है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। एक मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ उन उस चीज को कि मैं वर्ड्स में क्या बोलूँ उसे, तो एक डिफरेंट है। मैं ब्यास गुफा में हूँ, आप देख सकते हैं अभी क्लोज हो चुकी है ब्यास गुफा। अभी ब्यास गुफा बंद हो चुकी है, कपाट बंद हो चुके हैं ब्यास गुफा के।
और कल बद्रीनाथ जी के भी कपाट बंद हो जाएंगे 18 तारीख को। यह है ब्यास गुफा से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर गुफा है। यहीं पर महाभारत रामायण की रचना हुई थी, ब्यास जी ने महाभारत रामायण यहीं पर लिखा था, ग्रंथों का यहीं पर रचना की थी ब्यास जी ने। ये देख सकते हैं आप, ब्यास जी ने यहाँ से कहा था और गणेश जी ने नीचे गणेश गुफा में लिखा था। मेरा नाम रीटा सेठी, दिल्ली से आए हैं हम, बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं बद्रीनाथ जी के भी, और गुफा जी के कपाट बंद हो चुके थे, हमने बाहर से दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्यास गुफा से, ये है ब्यास गुफा। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ जगह है ये, बहुत पॉल्यूशन मुक्त है ये जगह, आप देख सकते हैं इतनी सुंदर जगह शायद ही कहीं होगा। इसको धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, बहुत सुकून देने वाली, बहुत पीस, बहुत शांति यहाँ पर है। महाभारत की रचना, ग्रंथों की रचना ब्यास जी ने यहीं पर किया है। यहाँ पर कहते हैं कि साक्षात विराजते हैं भगवान ब्यास जी, यहाँ पर भगवान का रूप है, विष्णु का अवतार है। ये देखिए उन्होंने यहाँ पर रचना की है, ये ब्यास गुफा से हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसी दिखती है ब्यास गुफा। अभी मैंने आपको अंदर दिखाया और यहाँ का मैं आपको चारों ओर दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी कितनी है यहाँ पर, देखिए आप, बहुत सुकून देने वाला है, बहुत सुंदर है। ये देखिए यहाँ से चाइना बॉर्डर बहुत नज़दीक है, आप देख सकते हैं ये नीचे ऊपर रास्ता जा रहा है, ये बॉर्डर रोड है, यहाँ पर इंडियन आर्मी रहती है, यहाँ पर चाइना बॉर्डर है, लगभग 56 किलोमीटर आगे हमारी इंडियन आर्मी रहती है। वहाँ पर पहले के लोग यहाँ पर आसानी से व्यापार करते थे, चाइना भारत व्यापार होता था, अब वो बंद हो चुका है, भारत और चाइना के संबंध ठीक नहीं है, इस कारण बंद किया गया है व्यापार को। इंडियन आर्मी वहाँ पर कम्बाइंड फोर्स है, ITBP है, रॉयल राइफल है, अदर रेजिमेंट यहाँ पर है माना विलेज में, ये बेस कैंप है माना विलेज। अब आपको ले चलते हैं भीमपुल, जहाँ पर सरस्वती रिवर भी है, और फिर हम आपको वहाँ के बारे में वहाँ से आपको बताएंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं कैसा दिखता है, कैसा है भीमपुल। यहीं से पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए गए थे, स्वर्ग के लिए गए थे, और हम आपको दिखाने वाले हैं भीमपुल, माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है माना विलेज। ये देख सकते हैं आप भीमपुल में हैं अभी हम लोग, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, देखो यात्रीगण बहुत आ रखे हैं। ये भीमपुल से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ से स्वर्गारोहण का रास्ता है, ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये स्वर्ग का रास्ता है स्वर्गारोहण के लिए। पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे, इसको स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है, देखिए आप। और ये सरस्वती रिवर आप देख सकते हैं, यही वो भीमपुल है जिससे होकर पांडव स्वर्ग गए थे, क्योंकि वो सरस्वती को लांग नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पर रखा जो भीमपुल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप, ये है वो बड़ा सा पत्थर, आप देख सकते हैं, ये है भीमपुल, ये माना विलेज में है, और इसी से निकल के पांडव स्वर्गारोहण गए थे। फिर एक एक करके जैसे पांडव आगे गए स्वर्गारोहण के लिए, वो एक एक करके अपना शरीर त्यागते गए, छोड़ते गए, और आखिर में कहते हैं कि युधिष्ठिर और उनका एक कुत्ता था वो स्वर्ग के लिए चले गए थे। ये यहाँ से वसुधारा 5 किलोमीटर आगे है, ये नीचे सरस्वती रिवर है, ये देख सकते हैं आप, ये सरस्वती रिवर है। व्यास जी ने श्राप दिया था, क्योंकि महाभारत की रचना जब हो रही थी, सरस्वती काफी आवाज कर रही थी, तो जिससे उनको एक डिस्टर्ब हो रहे थे वो महाभारत लिखने में, उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्होंने श्राप दे दिया सरस्वती को। इसीलिए माना विलेज से निकल के यही नीचे में केशव प्रयाग है, जहाँ पर सरस्वती माता का संगम है अलकनंदा के साथ, वहाँ पर वो लुप्त हो जाती है, ये श्रापित है सरस्वती।
यह है सरस्वती टेम्पल, निर्माणाधीन है अभी, देखिए